साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां चिंतित नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने अभी ये तय नहीं किया है कि आखिरकार किस नेता को पीएम पद के लिए चुने। लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात तो है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ 5 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें, आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर आप पार्टी के उम्मीदवार को उतारा जाएगा। इतना ही नहीं, अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के उम्मीदवार इन राज्यों में बीजेपी को कड़ी शिकस्त देंगे। खैर, अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या आप नेता ऐसा कर पाते हैं या नहीं। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।